हाय हेलो नमस्कार, माफी चाहता हूँ क्योंकि ऐसे सेटअप में आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ बिकॉज पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो शायद आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सुनना पसंद करेंगे। वो सुनना क्या है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी लोग मुझे सवालात कर रहे थे कि IBPS क्लर्क मेंस के लिए आपने अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं बताया है। IBPS क्लर्क मेंस को हमको किस तरीके से डील करना है उसके बारे में आपने जिक्र नहीं की है। मेरे प्यारे दोस्त, शायद मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस को अपलोड करना धीरे 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 करके कम कर लिया है, बिकॉज जब आप एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तब आपको पता चल जाता है कि स्ट्रेटेजी नामक कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग होता है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, मेरा किस हिसाब का प्रिपरेशन है, हिसाब किताब सबका डिफरेंट होता है। लेकिन जो चीज मैं आप सभी को देना चाहूंगा, दैट इज टिप्स देना चाहूंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगा जिसके बारे में अगर आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एफिशिएंसी है और आपका जो एग्जामिनेशन है शायद वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। सबसे पहली बात, मैं आप सभी को दरखास्त करूंगा कि जनवरी 19 को जो आपका एग्जामिनेशन है, अभी प्लीज जो भी देखो, मैं ये आशीष भाई बोलता है वो जेन्युइन बताता है और जेन्युइनली मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, बिकॉज मैं एक एक्सपायरेंट रह चुका हूं और अभी भी मैं मानता हूं कि आई एम ऑन दैट लर्निंग स्टेज। सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अभी जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप कृपया करके मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दें। तो फिर क्या करें 5 दिनों में, तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करना है, राइट? आप अच्छे DI के क्वेश्चंस उठाना है आपको, चाहे वो 4-5 क्वेश्चंस भले उठाइए लेकिन उसको सॉल्व करिए, वैरायटी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दूसरा चीज क्या है, अच्छे पजल्स को उठा के आप प्रैक्टिस करिए, फिर आप अच्छे RC क्वेश्चंस को रीड करिए। तो आपको सिलेक्टिव रहना है। बंदा क्या करता है दोस्तों, एग्जामिनेशन जैसे ही नजदीक आता रहता है अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठा देता है कि शायद अगर 5 दिन बचा है तो मैं एटलीस्ट 5 मेंस के मॉक टेस्ट को दे दूंगा, फिर एनालिसिस करूंगा। तो वो जो स्ट्रेटेजी लेके चलता है आगे, कहीं ना कहीं वो खुद ही ढल जाता है उस स्ट्रेटेजी में, खुद ही चोक कर जाता है बिकॉज वो काम नहीं देता है और फिर वो मोरली डाउन हो जाता है, स्ट्रेटेजी वहां पे फिर फुस हो जाती है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप मत सोचिए कि आपको कितने मॉक टेस्ट लगाना है, मैं तो बोलता हूं मॉक टेस्ट ही खत्म कर लो, सिलेक्टिव स्टडी करिए। दूसरा चीज है, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मॉक टेस्ट नहीं लगाता इस टाइम में, और मैं क्या करता, फिर मैं सिर्फ अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं वो सोचता। तो वो कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि GK भी आने वाला है, करंट अफेयर्स आने वाला है, एक वेबसाइट है जिसको मैंने काफी मर्तबा फॉलो किया था, राइट? और मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी थॉट्स बता रहा हूं, आप इसको जिस तरीके से लेना है आप ले सकते हैं। तो वो वेबसाइट एक अच्छा खासा, मैं बोलता हूं टेबुलर फॉर्म में देता रहता है, राइट? मतलब अच्छे तरीके से सजा के देता है, जिसको अगर आप देखोगे तो एट ए ग्लांस आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाएगा। वो नोट्स मैं यहाँ पे लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा आपको, मैं बोलता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं उस PDF को मैं डाल दूंगा, आप लोग फ्री से आप उसको पढ़ाई कर सकते हो। ज्यादा पेजेस नहीं होता है, शॉर्ट होता है लेकिन तगड़े होते हैं, और उससे तो मैंने काफी क्वेश्चंस देखा हुआ है। दूसरा चीज क्या है दोस्तों, देखो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको वही चाहिए कि कम समय में ज्यादा ज्ञान हो। देखो ये पॉसिबल है, कर सकते हैं अगर हम इसको इफेक्टिवली करें तो, राइट? राइट सोर्स को फॉलो करें, राइट मॉक टेस्ट दें, या फिर राइट सेट्स ऑफ DI लगाएं, रीजनिंग के पजल्स लगाएं, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए जाओगे। और दिमाग से पहले आप हटा लो कि आपको अगर 5 मॉक टेस्ट लगाओगे तब जाके तुम्हारा मेंस क्लियर होगा, ये नहीं होता है। जो मॉक टेस्ट का फंडा रहता है वो प्रीलिम्स तक रहता है, उसके बाद कोई मायना नहीं रखता, मैं समझता हूं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपके पास
अभी पढ़ा कितना है, 4-5 दिन मान लो, या अगर आप इस वीडियो को एक दिन पहले भी देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, राइट। आपके पास जितना नॉलेज है, सामने वाले के पास उतना नॉलेज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करिएगा। दूसरा चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तीसरा चीज है बाय द वे, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हो सकते हैं कि नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, लेकिन जो बंदा मेंटली स्ट्रांग हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे खासे लगा सके, वो बंदा सिलेक्शन ले जाएगा। क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। बोलते हैं कि सर इंग्लिश के नए नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नया नया नहीं होता है, इंग्लिश इंग्लिश होता है, उसका वजूद जो है वो इंग्लिश इंग्लिश ही है। आपको अगर कोई ढंग से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ दे तो आपको लगता है कि नहीं यार ये नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। इंग्लिश इंग्लिश ही तो होता है, वो मरता नहीं है, भले पैटर्न अलग हो लेकिन ज्ञान तो वही है। तो उस टाइम पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, और किस हिसाब से करना है वो आपको सोचना है, राइट। अगर आपने नहीं लगाया तो सिलेक्शन नहीं है। ये मेंटल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं समझता हूं मसलन कि ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप हमारे स्टूडेंट फरमाइश टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ढेर सारे PDF आपको मिल जाएंगे, और जो खास करके जो GK की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। और उससे भी बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगर आप हमारा ईयरली टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, जो 299 का था पहले, लेकिन अब हमने उसको 349 बना दिया है, तो फिर आप खरीद सकते हैं और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। और हम आपको टारगेट्स देते हैं, कैसे देते हैं, फोटोज खींच के नहीं, हम क्या करते हैं PDF खुद बना के भाई हम डालते हैं वहां पे, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। हम ऐसे टारगेट नहीं देते हैं कि आपको 500 क्वेश्चंस बनाना है, 1000 क्वेश्चंस बनाना है, दिन में हम 10 क्वेश्चंस देते हैं, भले दिन में हम 10 DI के क्वेश्चंस देंगे, एक रीजनिंग का पजल देंगे, एक RC देंगे, उतना करना है, सफिशियंट करना है। थोड़ा करो लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ के कभी अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, और धन्यवाद आप लोगों ने जिस तरीके से मुझ पर प्यार जताया है। टेक केयर, बाय बाय।